मंगलवार रात सीआरपीएफ की तरफ से लाल मस्जिद पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई है। उसके बाद से यहाँ के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो लाल मस्जिद से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आइए बातचीत करते हैं क्या मामला है और किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। सर क्या नाम है आपका? मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन। क्या सब मामला है? हाँ, मसला ये है कि यहाँ कुछ दिनों से सीआरपीएफ वालों का कैंप लगा हुआ है और वो समझते हैं कि यहाँ के अमाली बन जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होने देंगे। कोर्ट में इसका बाकायदा केस चल रहा है, इसका स्टे। अच्छा। जो जहाँ पर आप खड़े हुए हैं जिस मस्जिद में, रात अचानक हम लोगों को 8 बजे चेयरमैन अमानुल्लाह खान साहब जो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस में अपना काम कर रहे थे, उनको अचानक फोन आया। ऐसे ही मुझे भी उन्होंने फोन किया कि ऐसे समझदार, हम लोग फौरन यहाँ आए। आकर के देखा तो यहाँ पर तार लगे हुए थे, तारबंदी कर दी गई थी, पूरा पर्दे लगा दिए गए थे, उसको डेमोलिश करने की पूरी रात को तैयारी थी, साजिश थी। हमने फौरन चेयरमैन साहब ने जो है एसीपी साहब को फोन किया। एसीपी साहब मुश्किल से 5 मिनट में आ गए और हमने उनसे कहा कि साहब हमारी ये मस्जिद है और इस पर इस्ते है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, हम इनको करके इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने हमें वादा किया कि अभी तो आप जो है इस वक्त ये तार वार हटा दीजिए, पर्दा हटवा दीजिए। पुलिस के सामने ऐसा कुछ किया। आज 1 बजे की हमारी मीटिंग थी, 1 बजे हमारी एसीपी साहब और आईजी सीआरपीएफ वालों से मीटिंग हुई। उन्होंने यही कहा कि आपके मस्जिद को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रही बात जिस जगह आप ये देख रहे हैं, ये पूरा इलाका कब्रिस्तान का 8 बीघे का कब्रिस्तान, इसके लिए भी हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम जीत कर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनकी बदनीयती रात शुरू हुई थी कि किसी भी तरीके से हम जो है इस जगह को तोड़ करके अपना कैंप आगे तक बढ़ा लेंगे, इसमें हम इनको कामयाब नहीं हो देंगे। हर तरह का कानूनी कदम उठाने की। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। सर क्या चाहते हैं जो मामला हुआ है उसको लेकर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो मस्जिद है वो बाहिफाजत रहे और मस्जिद के मुल्क का जो जायदाद है आज दिल्ली की उसको हम चाहते हैं कि वो मस्जिद में आ जाए। ये बताया जा रहा है कि इस पर काफी समय से कोर्ट केस भी चल रहा था। आपको काफी समय से चल रहा है कोर्ट केस, कई दफा ये हुआ कि जो कोर्ट की ना मैदाना कदम की वजह से उसको कोर्ट में ना पेश होने की वजह से कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो अब क्या चाहते हैं आप? जिस तरीके से कदम उठाया गया है उसके बाद क्या होगा? कदम ये है कि कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद फिर आप जो अभी जायदाद हमारी है जो मस्जिद है इसको चाहते हैं कि भाई जैसे है उसी नेज पर है, जब कोर्ट जो फैसला करे जायदाद के लिए उसके बाद किसी तरह फैसला करा। मेरा नाम अब्दुल समी है। आप बताइए कि क्या मसला है और अब आगे क्या, जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है खास करके इसमें क्या कहा गया? डीसीपी साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, जैसा कि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि देखिए हम मस्जिद को हटाना नहीं चाहते, मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और मस्जिद पे अगर किसी तरह का कोई आदमी कोशिश करेगा तो हम उस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा मकसद भी ये नहीं है कि हम मस्जिद को तोड़ करके अपने अंडर में लें। अलबत्ता ये है कि जिस तरह से यहाँ सीआरपीएफ के लोगों के अमल से ये जो अभी तार की घेराबंदी की गई, मस्जिद को कवर कर लिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं हमें शक इनकी नीयत पर हो रहा है कि भाई ये कह तो कुछ रहे हैं और मतलब आगे कोर्ट केस करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे अमानतुल्लाह खान साहब जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, वो कल से ही जैसे जब से इस वाकये का इल्म हुआ वो निगाह रखे हुए हैं और उन्होंने सीआरपीएफ के बड़े अफसरान से मीटिंगें भी कर ली हैं, बातचीत भी हो गई हैं, और आगे कोर्ट भी अगर जाने की जरूरत पड़ेगी तो चौधरी अमानतुल्लाह खान साहब कोर्ट भी जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लाल मस्जिद पर जिस तरीके से सीआरपीएफ की तरफ से कार्रवाई की गई है उसके बाद से यहाँ पे लोगों में काफी रोष है। विधायक अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार इस मामले पे गंभीरता बनाए हुए हैं और अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि लाल मस्जिद पर जो कार्रवाई की गई है सीआरपीएफ अगला कदम क्या उठाती है और लोग बाग जो है वो कोर्ट केस को लेकर आगे क्या कदम उठा पाते हैं। रिपोर्ट हर्षित शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।